अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अब्दुल समद आपको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप फ्रेश तरोताज़ा पुरसकून होंगे, ताकतवर होंगे इंशाल्लाह। और आज का जो प्रोग्राम है रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स, और रीढ़ की हड्डी एक जिंदगी का एक रॉड समझते हैं रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी के जो मसाइल है बहुत से लोगों को लाहक होता है, क्योंकि जो भी हमारे असाब दिमाग है इनके तमाम के तमाम या रीढ़ की हड्डी से यानी रिशे इसके जाते हैं और रीढ़ की हड्डी से फैलते हैं बॉडी में और बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तमाम हिस्से रीढ़ की हड्डी से कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि सभी रिशे यहाँ से निकलते हैं। हर स्पंज, हर जो सेल है वहाँ तक, नर्व्स की जो शाखें हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। और रीढ़ की हड्डी में अगर मसला है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, और कुछ नफसियाती मसाइल अगर दिमागी या जहनी है वो असर करता है किस चीज़ पे, हमारे रीढ़ की हड्डी पे, बिलखसूस लास्ट मोहरे पे बहुत असर करते हैं, और ऊपर से चंद मोहरे ऊपर जो है वो असर बड़ी बुरी तरह होती हैं। तो नफसियाती अमराज पे भी इसका असर होता है, सभी का भी असर होते हैं रीढ़ की हड्डी पे, बहुत से प्रॉब्लम्स जो होती है उन पे असर होते हैं। तो रीढ़ की हड्डी जो है ना, ये कुव्वत हयात भी कहते हैं। इसके अंदर एक जिसे हराम मगज कहते हैं यानी उसके अंदर मौजूद है, और ये यहाँ से ही नर्व निकलते हैं और यहाँ से बॉडी को कंट्रोल करते हैं और उसके रिश्ते निकलते हैं। तो रीढ़ की हड्डी को सही रखने के लिए ज़रूरी ये है कि आज हम इस पे बात करें, और आज आप हमें कॉल भी करें और रीढ़ की हड्डी पे हम आप बात करें कि रीढ़ की हड्डी को कैसे बेहतर कर सके और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कैसे ला सके, बीमारियों से निजात कैसे पा सके, या अगर खुदा ना करदा आइंदा में लाइफ में आपकी रीढ़ की हड्डी को कोई नुकसान हो तो कैसे उसके दिफा करें, कैसे बचाए जाएँ। एक कॉल काफ़ी देर से होल्ड पे हैं, कॉल लेते हैं फिर उसके बाद हम पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे? मैं ज़किया बात कर रही हूँ लाहौर से। बुशरा लाहौर से? ज़किया जी, ज़किया बात कर रही हूँ। ज़किया, सॉरी ज़किया, ठीक है, मुझे आवाज थोड़ा सही नहीं आ रहा था। कैसे हैं डॉक्टर साहब जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक है, बस अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं जी। माशाल्लाह, तो आज अब रीढ़ की हड्डी पे बात हो रही है, क्या कैसे? रीढ़ की हड्डी पे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने हमें समझा जैसी नेमत से नवाजा। कौन सी नेमत से? समझा जैसी नेमत जी, से जी जी। अच्छा, हमारे स्टूडेंट है आप माशाल्लाह। जी 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 जी, वन टू फोर लेवल के हैं। जी जी जी, वो नवाज दे, नवाज ने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही तो ठहरा, उसके करम का क्या ठिकाना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके जी। बहुत जैसा जिस बंदे को अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत नवाजना चाहे तो वो खुद ही एक सबक पैदा कर देता है। सही सही सही, बहुत अच्छा। सत्य के इंसान को शौक और लगन हो और जुनून हो तो मंजर सामने हो तो रास्ते आसान हो जाते हैं। सही सही। तो दरअसल मैंने बस वो हट करके आई तो माशाल्लाह टीवी पे अपने प्रोग्राम देखे, तो फिर अपनी बेटी को लेके अपने मियाँ से परमिशन ली तो अपनी मंजर की तरफ रवाना हो गई और आज से वन टू फोर लेवल। माशाल्लाह, अच्छी बात तो है जी जी। तो क्या मियाँ को ना वो बैकबोन का मसला था, उनकी MRI भी करवाई, हराम मगज में कोई प्रॉब्लम आई सोजर थी। हाँ हाँ हाँ। तो फिर आपका यही समझा वन फोर या हुआ इस वक्त काम आया मेरे। अच्छा अच्छा, तो जी जी, तो उनका अब काफी फाका है, अल्लाह का बड़ा ही करम है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, बहुत बड़ी बात तो है। फिर उनके ना गुर्दों में भी प्रॉब्लम थी, टेस्ट करवाया तो डॉक्टर साहब ने कहा इनके गुर्दों में किडनी में ना वो वेन इनकी बड़ी बंद हुई हुई है या इस तरह, तो अल्लाह से दुआ करें। तो फिर मैंने बड़े यकीन के साथ इनको आके 3 दिन 1-4 लेवल किया जी। और बड़े यकीन के साथ इंशाल्लाह ताला और दोबारा टेस्ट करवाए, फिर दोबारा डॉक्टर साहब के पास लेके गई
तो उसने कहा कि आपको मुबारक हो कि आपके गुर्दे काफी हद तक बेहतर हो चुके हैं जी, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और आप यकीन करें जब मैं नमाज पढ़ती हूँ आपका चेहरा सामने होता है और आपको ढेर सारी दुआओं से नवाजती हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको और खुशियाँ दें, ताकत अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको और ताकत अता फरमाए, अल्लाह ताला आपके ताकतों में और इजाफा कर ले, और अल्लाह ताला आपके जो मेथड जो तरीका आपने सीखा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी माशाल्लाह। और मेरी बेटी दोनों आते हैं और वो भी आएंगी मेरे साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, पूरी टीम ले आना और सब लोगों को मेरा सलाम कहना, और अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ दें, क्योंकि ये फ़र्ज़ बनता है हमारे कि अदर्स को भी हम इस तरफ रागब करें, आएँ, उनके दर्द दुख में शामिल हो, और ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, ये स्टूडेंट का फ़र्ज़ बनता है कि वो हमें लोगों को ले आएँ, और ये बहुत ज़रूरी है। एक आप बात आपको करनी थी जी, तो मैं जब हज के लिए गई हुई थी ना, तो माशाल्लाह आपकी दुआ से जब एंड वाले आखिरी दो चार दिन थे ना, तो अल्लाह ताला की तो खास रहमत हुई, अल्लाह ताला ने किसी खास में दिलवाया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने खाना काबा के सामने खड़े होके ये दुआ की कि अल्लाह ताला आपने मुझे कुछ नवाजा है तो मुझे इसके लिए कोई रहमत दे दे। और जब मैं पाकिस्तान आई तो आपके प्रोग्राम देखे और मुझे शौक पैदा हुआ और वो रहमत की सूरत में आप मुझे इंशाल्लाह ताला मिले। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का। तो जब आपसे मैंने समझा लेवल किया तकरीबन दो माह गुजर गए, तो फिर आपने मुझे नमाज में कुछ बातें की, वो मैं शायद इस वक्त ना बता सकूं, तो अगर मेरी रहनमाई हो सके, मुझे दिल को सुकून हो जाए, जो एक माह से बेचैनी लगी हुई है, तो मैं आपसे फोन से बात कर सकूँ, वो कैसे हो सकती है? बिल्कुल, फोन नंबर या सेल नंबर हो तो मैं अभी और मजीद रहनमाई हो जाएगी। चलो जब मैं आऊंगा इंशाल्लाह, जब मैं आऊंगा, वैसा भी तो स्टूडेंट के साथ मेरे जो अच्छे स्टूडेंट हैं मेरे, उनके साथ मेरे डायरेक्टली कनेक्शन होता है, बग़ैर मोबाइल के हमारे डायरेक्टली राबता होता है, एक रूहानी राबता होता है, एक कनेक्शन होता है हमारे जो बनते हैं, तो अल्लाह ताला हमें कनेक्ट करते हैं, किसी भी तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं, तो इसलिए मुझे कनेक्शन लेने के लिए आप समदाव को अप्लाई करें, मेरे साथ अगर कनेक्ट होने के लिए समदाव को अप्लाई करें, आपके अच्छी नीयत और आपके हमारे लिए एक जो मोहब्बत होते हैं उस्ताद और जो है शागिर्द के दरमियान, वो एक राबते के बायस बन जाते हैं, तो ये आप डिजिटल साइंसेज की खिदमतें करें तो खुद ही राबता बन जाते हैं, और आप देख लेना कि हम इंशाल्लाह टेलीपैथिक कनेक्शन हमारे बन जाएंगे। तो डॉक्टर मुझे कैसे तसल्ली होगी, आपने मुझे माशाल्लाह बहुत कुछ दिया नमाज में भी और इससे भी, वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, रहनुमाई देना चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरे रहबर हैं, टीचर हैं। जी बिल्कुल, कनेक्शन खुद ही बनता है, एक रूहानी तकल्लुम होते है जो जिसे कहते हैं ना, तो वो बन जाता है किसी न किसी वक्त बन जाता है, जरूर बनते हैं। जी कॉल ड्रॉप हो गया, सॉरी जी, बहुत अच्छे बातें कहीं, और बात हो रहे थे हमारे रीढ़ की हड्डी पे, और रीढ़ की हड्डी जो हराम मगज है जो मौजूद है, ये बहुत नाजुक सी चीज़ है, अल्लाह ने कैसे इंसान को बनाया इसके ऊपर, इन्होंने रीढ़ की हड्डी के ऊपर, इस हराम मगज के ऊपर जो बहुत ही शफाफ है और बहुत ही नाजुक है, उसके ऊपर हड्डियों का एक मोहरे बना दे और वो दरमियान में होते हैं, इस तरह सर है, सर में देखिए मगज है हमारे जो है, ये पड़ी हुई है तरहाल की, ये एक बहुत ही यानी एक बहुत ही नरम सा मादा है जो अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर उन्होंने अल्लाह ताला ने एक उसके ऊपर हड्डी बना के, ताकत बना के, फोर्स बना के, ताकि वो डैमेज ना हो। ये तमाम चीज़ें हमारे वजूद के कंट्रोलर है, हमारे वजूद को यही कंट्रोल करता है, दिल को भी यही कंट्रोल करते हैं। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह दिल के अमराज पे होगी ये बातें, तो दिल कैसे काम करते हैं, रीढ़ की हड्डी और असाब कैसे काम करते हैं, दिमाग कैसे काम करते हैं, हमने जान ली है कि ये एक मादा है,
जो कि बहुत नाजुक सा मादा है, जो खाकस्तरी शक्ल में है और ये वजूद में हमारे पड़ी हुई है, कोपड़ी में और रीढ़ की हड्डी में मौजूद है। ये यहाँ से हमारी बॉडी कंट्रोल होते हैं, चाहे दिल हो, चाहे आंखें हैं, चाहे मुंह हैं, चाहे गुफ्तगू करते हैं हम, चाहे गले के हैं, चाहे मैदा है, चाहे गुर्दे हैं, और चाहे आपके जिगर है, अंतड़ियाँ हैं, जितने भी पाँव हाथ हर चीज़ जितना भी यहीं से कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये बड़े अहम तरीन चीज़ है, बड़े अहम तरीन मौजू है ये, कि हम एक तो जान सके इस चीज़ को, फिर उसका जो प्रॉब्लम्स अगर आते हैं या है तो उसका इलाज कैसे। कॉल होल्ड पे है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, नदीम बोल रहा हूँ मुल्तान से, डॉक्टर नदीम कादरी बोल रहा हूँ। जे नदीम यूसुफी साहब जी, नदीम कादरी मुल्तान से बोल रहा हूँ। कादरी, अच्छा कादरी बात करें, मैं समझ रहा था नदीम यूसुफी भी है हमारे वही पे, ठीक है। हाँ जी, मैंने डॉक्टर दिल्ली में किया था, ये चार तारीख को आओ तो माशाल्लाह चार लेवल किए थे मैंने। अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा है ये सर, बहुत अच्छा से मैंने आपकी कुछ भी पढ़ी है जी, साइंसेस के हवाले से, डिप्रेशन के हवाले से, सिमला हीलिंग एनर्जी मावरा यलूम का खलासा वगैरह जी, माशाल्लाह डॉक्टर साहब बड़ी आपने बड़ी एफर्ट किया, बड़ी खिदमत है आपकी, अल्लाह ताला बहुत, ये इतनी आसान लैंग्वेज आपकी की समझ में आती है बातें, बहुत अच्छी चीज है माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी चीज है जी, बहुत अच्छा। अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, और हमें ज़रूर दुआओं में ये रखें कि बस आप अदर्स का आप इलाज करें, अगर दूसरों का इलाज करेंगे तो वही हमारे लिए दुआ बन जाता है, आपके लिए भी और सबके लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैंने जो चार लेवल किए ना डॉक्टर साहब, इसमें मैंने जो छोटी मोटी तकलीफें ये तो मिनट में वो खत्म हो जाती हैं। मैं वापस आया हूँ तो मेरी भाभी को, उनको उनको ना बैक बोन का बड़ा प्रॉब्लम था, तो मुझे कह रही थी कि मेरे मैं मुझे तो उठा भी नहीं जा रहा, बड़ी तकलीफ है मुझे। मैं अपने रूम में चला गया, मैंने डिस्टेंट उनको हीलिंग दी, तो फिर मैंने पूछा कैसी हो, कहते अभी वो थोड़ा फर्क है। मैंने कहा ये आपको ना हर घंटे दो घंटे में ना अच्छा फील होगा, तो माशाल्लाह वही वो डॉक्टर साहब वो अगले 24 घंटे मुझे बता रही थी कि मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा डॉक्टर, मैंने ये देखा ये जो नर्जी है ये अपना काम करती रहती है, फौरी तौर पर ना भी होना, लेकिन ये हर घंटे बाद दो घंटे बाद आप में चेंज आती है और आप फील होता है वगैरह, ये भी देखा मैंने। सही सही सही, बिल्कुल आते हैं चेंजेस आते हैं, अल्लाह ठीक करता है, क्योर करता है, काम करता है ये, और इंसान की शख्सियत में भी रोज़ बरोज तब्दीलियाँ बेहतरी आते रहते हैं ना जी, हमारे हर चीज़ में बेहतरी आते हैं, तामीरी शख्सियत होती है, आहिस्ता आहिस्ता हमें सेहत हमारी बेहतर होना शुरू हो जाते हैं और बेहतर। बल्कि मैं अर्ज करूँ आपसे, जब मैं आपके पास पिंडी आया था ये फादर कोर्सेज, मुझे तीन तकलीफें थी, एक तो मेरी मेमोरी का प्रॉब्लम था और प्लस मुझे ये ना स्पोर्ट का प्रॉब्लम था, ये मैं मुझे ये 80s में तकलीफ हुई थी, 1980s में, तो 1980s में, तो मैंने क्योंकि साबित तकलीफें थी बड़ी स्लोली ठीक हो रही थी, तो फिर उसके बाद मेरे ना ये जोड़ों के प्रॉब्लम शुरू हो गए, ये मसल का टांगों का मसल, मैं बड़े मुश्किल से चल पाता था मैं, और तीसरा मुझे ये था थोड़ा सा ये एक और प्रॉब्लम था, मैं तो मायूस था यकीन डॉक्टर साहब, मैं आपके पास गया क्योंकि मैं आपको फोन सुनता था टीवी पे डेली, तो मुझे ये ऐसा समझ में आया कि ये रियल फैक्टर क्या है, आप रुक गए, मैं पिंडी गया हूँ आपको कोर्स बुक किए हैं, तो वहाँ जब आप हमें किसी होटल में ही बड़ा फायदा हुआ, तो उसके बाद तो डॉक्टर साहब मैं हर घंटे बाद हर दिन मैं माशाल्लाह मुझे इम्प्रूवमेंट आती रही है, मैं खुद एटीट्यूड में लेता था और इतने फायदे हुए हैं मुझे, इतने फायदे हुए हैं जिसकी हद कोई नहीं है, और मैंने लोगों को भी किया माशाल्लाह, काफी लोगों को किया है, हार्ट के प्रॉब्लम थे उनके, मैंने ये पहले खुद को नजर किया थर्ड लेवल से, उसके बाद मैंने समझा 1, 2, और 4 को यूज किया है, बड़े पॉजिटिव हैं डॉक्टर, बहुत पॉजिटिव है, किडनी फेलियर वालों को मैंने किया, मुल्तान में किया, लाहौर में किया, एक इफ्तिखार साहब है मुल्तान में, बदार गैदी साहब है, तो ये माशाल्लाह बड़े वो उनको भी उम्मीद होगी कि हम ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. बुध और हफ्ते को रात 1 बजे और बाकी दिनों में रात 11 बजे रिपीट होंगे। कराची, पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में हमसे राबता करें और कुदरती तरीके से अपना इलाज करें जिसके कोई मुजिर असरात नहीं है। By our most powerful healing energy Samda and our most successful formula HMN. Allah Taala ne aise jismani aur nafsiyati
बीमारियों का इलाज किए और ऐसे मसाइल का हल किए जो दुनिया हैरान है। मेरे तजुर्बात, तहकीकात और तहरीरों से भी आप मुस्तफीद हो सकते हैं। डिप्रेशन का जदीद तरीके इलाज, समदा हीलिंग एनर्जी, मावराए उलूम का खुलासा और अमल, शिफाई तवानाई की पोशीदा दुनिया और जिल साइंसेस। फाइंड मी ऑन गूगल, यूट्यूब एंड फेसबुक। कॉन्टेक्ट अस एंड विजिट समदा हीलिंग.com।